टेस्टिंग के दौरान नजर आई ये एसयूवी वैसे तो पूरे कवर के साथ स्पॉट की गई है, मगर इसमें कुछ अलग से डिजाइन और एलिमेंट्स देखे गए हैं, जिनमें राउंड शेप के व्हील, आर्क फ्लैट रूफ लाइन, ऊंचा टेल गेट और रियर क्वार्टर ग्लास शामिल है। अब और इसके अंदर मिलने वाली है आपको मर्सिडीज की दिखने वाली बड़ी सी टच स्क्रीन, तो एक मर्सिडीज की तरह इलेक्ट्रिक एडजस्ट के लिए सीट्स के बटन्स भी देख सकते हैं, जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। इसके अंदर मिलने वाले हैं आप इस एसयूवी के अंदर आपको रेंज रोवर वाले डोर हैंडल्स मिलेंगे, जो बहुत ही ज्यादा बेहतर लगते हैं इस सेगमेंट के अंदर। एसयूवी 7W के अंदर 8 ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम के साथ एसयूवी 7W को लॉन्च करने वाली है, और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि 8 ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स आपको ना ही टोयोटा फॉर्च्यूनर में मिलते हैं, ना ही मिलते हैं आपको फोर्ड की इंडेवर में, लेकिन आपको एमजी की ग्लोस्टर में सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इनके बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 2.2 लीटर का टर्बो डीजल मिलने वाला, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर आपको पावर मिलती है 180 bhp की पावर, और दूसरा है 2 लीटर का एम स्टैलियन TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर आपको 200 bhp की पावर देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं कि 8 ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला है ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, और दूसरा है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और तीसरा फीचर्स है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, और चौथा फीचर्स है ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्टर, और पांचवा फीचर्स है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, और छठा फीचर्स है लेन कीप असिस्ट, और सातवां फीचर्स है हाई बीम असिस्ट LED लाइट्स, और सबसे आखिरी फीचर्स की बात कर लें वो 8 फीचर्स, उसका नाम है पर्सनलाइज स्पीड वार्निंग सिस्टम। महिंद्रा अपने XUV 7W के अंदर 8 हाईटेक फीचर्स के साथ XUV 7W को लॉन्च करने वाली है, मतलब कि XUV 7W फुल्ली हाईटेक फीचर्स के साथ लॉन्च होगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है और जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट भी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। इसके अंदर आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे। इस गाड़ी के सेंटर कंसोल में आपको सैंड मड जैसे डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईटेक लगता है, अच्छा है, कूल लगता है। और XUV 7W टेस्टिंग जोरों जोरों से चल रही है। XUV 7W को एक और फिर से टेस्टिंग करते हुए देखा गया, मतलब कि XUV 7W जल्दी लॉन्च होने वाली है। अब बताया जा रहा है कि XUV 7W आपको जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में लॉन्च की जा सकती है, और इस सेगमेंट में आने वाली Hyundai Alcazar के अंदर आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल पाता है, जिसके अंदर आपको 153 bhp की पावर मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं XUV 7W की पावर से बहुत ही कम होगी। और वहीं दूसरी तरफ है टाटा सफारी और MG Hector और GP Compass, जिनके अंदर आपको 2 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिल जाता है, जो Fiat सोर्सेस है, जिसके अंदर आपको पावर मिल जाती है अराउंड 170 bhp की। और XUV 7W के अंदर आपको 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो कहीं ना कहीं इन तीनों गाड़ियों से कहीं ज्यादा पावर। और XUV 7W के अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, मतलब महिंद्रा अपनी गाड़ियों के अंदर 4x4 का ऑप्शन जरूर लेके आएगा, क्योंकि महिंद्रा की हर गाड़ियों के अंदर 4x4 का ऑप्शन जरूर आता है।